गुजरात में कई जगह नगर निगम के एक फैसले पर घमासान शुरू हो गया है। मामला नॉनवेज और अंडे की बिक्री को लेकर है। आदेश जारी होते ही तमाम स्ट्रीट फूड वाले दुकानदार अपना सामान समेटते नजर आए। क्या है पूरा मामला, इस पर क्यों हो रहा है बवाल, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। गुजरात के राजकोट, वडोदरा, जूनागढ़ और भावनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने खुले में अंडे और नॉनवेज की बिक्री के स्टॉल पर रोक लगा दी थी और अब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी खुले में अंडे और नॉनवेज के फूड स्टॉल बंद करने का फैसला लिया है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक धार्मिक स्थल, गार्डन, स्कूल कॉलेज के साथ ही दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर अब खुले में फूड स्टॉल नहीं लगाया जा सकेगा। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एस्टेट विभाग के चेयरमैन देवांग दानी ने कहा कि प्रमुख सड़क से 100 मीटर के अंदर लगने वाले सभी फूड स्टॉल्स को हटाया जाएगा। नॉनवेज बेचने वालों के लिए लाइसेंस जरूरी होगा। इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि स्ट्रीट फूड्स के इन स्टॉल्स की वजह से राहगीरों को आवाजाही में परेशानी होती है, लेकिन ऐसे में सवाल वही कि अंडे नॉनवेज के स्टॉल हटाने के ही आदेश क्यों दिए गए। ऐसे में अंडा और नॉनवेज फूड स्टॉल लगाने वाले लोगों को अपने रोजगार की चिंता सताने लगी है। हम लोग का जब बंद करा रहे हैं तो 10 परिवार हम लोग गरीब आदमी चला रहे हैं, तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, तो उसको आप लोग कुछ करिए या कुछ बताइए, या नहीं तो हम लोग का जगह दीजिए धंधा करने का, या कोई नौकरी दीजिए। अच्छा, इस मामले पर विवाद शुरू हुआ तो नगर निगम से अलग सीएम भूपेंद्र पटेल के सुर बदले नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें वेज नॉनवेज से कुछ लेना देना नहीं है, जिसको जो खाना है वो खा सकते हैं। हम तो जो बाधा बनेंगे उनको हटवाएंगे। दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी नगर निगमों के इस फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आते ही बीजेपी धर्म की राजनीति करने लगती है। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए इस मुद्दे पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप न्यूज तक को नए रूप में देख रहे हैं। न्यूज का रंग रूप जरूर बदला है, लेकिन भरोसा वही है। हमारी कोशिश है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट पेश किया जाए, ताकि देश दुनिया की जरूरी खबरें सही और पूरी जानकारी के साथ आप तक पहुंच पाए। न्यूज तक ब्यूरो।